फिलिस्तीनी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। When it says we'll with all means, they have all their right to defend itself. जो अमेरिका इसराइल कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस, अपना ऑक्यूपायर को कोई हक नहीं अपना सेल्फ डिफेंस करने का। अगर यहाँ पे ब्रिटिशर्स हमारे को ये कहते हमारे लोगों पे जिस तरीके से बर्बरियत करके कि ये हमारे सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, तो ये इंसानी हकूक के खिलाफ है। उसी तरीके से आज जो फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, इट इज़ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। दुनिया में जब तक अमन और सुकून और शांति नहीं हो सकती जब तक फिलिस्तीन में है। फिलिस्तीन मिडिल ईस्टर्न रीजन, गल्फ रीजन के ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पे अगर वॉर फैलती है तो इट विल टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर 3। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। तो सिटीजन फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस का जानिब से जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए और फिलिस्तीनी आवाम के इंसानी हकूक़ के लिए जो एक प्रोग्राम रखा गया, जो एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया आज गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जमा थे और यहां से फ्री फिलिस्तीन के नारे और साथ में फ्रॉम रिवर टू द सी फिलिस्तीन विल बी फ्री, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आज लोगों ने, गुलबर्गा की आवाम ने ये दुनिया के हर हुकूमत से मुतालबा किया है, यूएन से मुतालबा किया है और ख़ुद हमारे मुल्क के हुकूमत से मुतालबा किया है कि जंग फौरी तौर पर फिलिस्तीन पे जो इजरायली बर्बरियत वार क्राइम जो हो रहे हैं इसको रोका जाए और फौरन सीज़ फायर किया जाए। अब देखिए, थोड़ा सा मैं एक तारीखी बात लेते चलूँ। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, जब हमारा मुल्क भारत इंडिया जब आज़ाद हुआ, उस टाइम पे इसराइल नाम की कोई वजूद भी नहीं थी दुनिया में। देर वॉज नो सच कंट्री कॉल्ड एज इसराइल टिल 1948। ये 1948 में एक ऑक्यूपेशन स्टार्ट होता है, एक कब्जा शुरू होता है फिलिस्तीनी लैंड के ऊपर। ये अमेरिका यूरोपियन यूनियन स्पॉन्सर्ड, जिसमें ख़ास करके यूके जो ब्रिटिश हुकूमत थी उस वक्त, या आज का जो ब्रिटिश स्टेट है जिसे हम यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड कहते हैं, ये और अमेरिका मिलकर जिस तरीके से टेररिज्म के हमले, जो आज हम आतंकवाद कहते हैं, इस दुनिया में आतंकवाद की शुरुआत करने वाले ये इसराइल, अमेरिका और ईयू, इन्होंने उस ज़माने में कई शहरों को, कई छोटे छोटे गांवों को खतलो गारत किया वहाँ की फिलिस्तीनी आवाम को। इस तरीके से गांव के लोगों को ख़त्म करते हुए अपना कब्ज़ा बढ़ाते गए, हत्ता के ये हुआ आखिरकार जब 1967 में टू स्टेट पॉलिसी के तहत इसराइल और फिलिस्तीन को दो अलग मुल्क का स्टेटस देने की बात हो गई और दोनों मुल्क के बाउंड्रीज फिक्स कर दिए गए। ये इंटरनेशनल लॉज की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए इसराइल ने फिलिस्तीनियों पे अपनी जुल्म, बर्बरियत और ह्यूमैनिटेरियन एंटी ह्यूमन अटैक्स करता हुआ जारी रखा। आज 2023 में भी हम यही देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे नकबा 2। इससे पहले जब इस तरीके की हमले हुए थे तो फिलिस्तीन के तकरीबन 60,000 से 70,000 लोगों को शहीद कर दिया गया। उस वक्त भी आज जो ठहरे हुए हैं, जो एक्सिस ऑफ इविल जिसे हम कहते हैं, अमेरिका एंड इसराइल आर द एक्सिस ऑफ इविल इन द वर्ल्ड। ये एक्सिस ऑफ इविल जो दुनिया में सारा इविल की पैदावार करता है, ये आतंकवादी दोनों देश उस वक्त फिलिस्तीनियों पे जुल्म बर्बरियत करते हुए 70,000 से 80,000 फिलिस्तीनियों को शहीद किए। आज 2023 में हम देख रहे हैं कि फिर से करीब 20,000 मासूमों को हमला करके मार दिया गया, एरियल स्ट्राइक करके मार दिया गया, हॉस्पिटलों पे हमले करके मार दिया गया, सिविलियंस पे हमला करके मार दिया गया, स्कूल्स पे हमला करके मार दिया गया, जिसमें करीब 50% बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं,
एक बड़ी ताज्जुब की बात है, सारी दुनिया चाहे आप कोई भी यूरोपियन यूनियन बोलिए या अमेरिका बोलिए, जो अपने आप को बड़े इंसानियत के, डेमोक्रेटिक राइट्स के, ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार कहते हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए नालायकों को, कि इसराइल जिस तरीके से बर्बरियत और हैवानियत कर रहा है, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये वार क्राइम्स हैं, इसके ऊपर इनकी ज़बान नहीं खुलती है। और सबसे बड़ा शैतान जिसे मैं कहता हूँ, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, वो यूनाइटेड शैतानिक एसोसिएशन है, जो इस वक्त सीज फायर का जब ऐलान हुआ यूएन में, सारे कंट्रीज ने सीज फायर के लिए उसके तायद की, तो वाहिद वो अमेरिका, अमेरिका इज़ द ओनली सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड हु वीटोड सीज फायर ऑन फिलिस्तीन। ये बताता है, अमेरिका का नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज़ का भी इसमें डबल स्टैंडर्ड बताता है। हम यहाँ से, गुलबर्गा से, हिंदुस्तान से डिमांड करते हैं, यूएन से, यूरोपियन यूनियन से और अमेरिका से, कि अपनी एंटी ह्यूमन डबल स्टैंड पॉलिसी को बदले और फिलिस्तीनियों का अब उनका हक दिया जाए। और फौरी तौर पर जिस तरीके से यूएन के रेजुलेशंस हैं, वो यूएन के रेजुलेशंस के तहत फिलिस्तीनियों को हक दिया जाए। और एक बात मैं कह दूं, अभी मीडिया में अक्सर होता है या जो भी कह रहे हैं, इसराइल हमास वार, ये इसराइल हमास वार नहीं है, ये इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच चल रही एक जंग है, फिलिस्तीनी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मैं यूएन रेजुलेशन बता दूं, 1987 का और 87 से पहले पास किए हुए रेजुलेशन, यूएन रेजुलेशन क्लियरली सेज फिलिस्तीनियन हैव एवरी राइट टू गेट देयर फ्रीडम बाई ऑल मीन्स, ये बात क्लियर करता है, व्हेन इट सेज वील विथ ऑल मीन्स दे हैव ऑल देयर राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। जो अमेरिका इसराइल कह रहे हैं डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, अपना सेल्फ डिफेंस को हक, ऑक्यूपायर को कोई हक नहीं अपना सेल्फ डिफेंस करने का। अगर यहाँ पे ब्रिटिशर्स हमारे को ये कहते हमारे लोगों पे जिस तरीके से बर्बरियत करके कि ये हमारे सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, तो ये इंसानी हकूक के खिलाफ है। उसी तरीके से आज जो फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, इट इज़ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ये। इसके लिए हम आईसीसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी ये डिमांड करते हैं कि इजरायली नितिन्याहू के ऊपर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत केस चलाया जाए, और फिलिस्तीनियों पे जो चल रही बमबारी, जो हमले हो रहे हैं, इसे फौरन रोका जाए, और इसके तहत फिलिस्तीनियों का जो टू स्टेट सोल्यूशन है, जिसे यूएन रेजोल्यूशन के तहत पास किया गया है। और ये मैं बता दूँ, आज तक इसराइल ने 143 यूएन रेजोल्यूशन के अगेंस्ट काम किया है, इसके ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए जाते? क्या ये हुकूमतें जो बैठी हैं दुनिया में इसराइल की गुलाम है? अगर ये बात है तो मैं क्लियर कर दूं, सारी दुनिया फिलिस्तीन के कब्जे में है, और कोई आज़ाद मुल्क है तो वो सिर्फ फिलिस्तीन है जो आज अपने हक के लिए लड़ रहा है, जिसे इसराइल काबू नहीं कर सकता है। तो हम ये कह रहे हैं, दुनिया में जब तक अमन और सुकून और शांति नहीं हो सकती जब तक फिलिस्तीन में है, क्योंकि फिलिस्तीन एक छोटा सा लैंड का हिस्सा नहीं है। फिलिस्तीन मिडिल ईस्टर्न रीजन, गल्फ रीजन के ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पे अगर वॉर फैलती है तो इट विल टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर 3, इट विल बी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस इन द वर्ल्ड, इट विल क्रिएट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो शिपिंग रेंज है, जो शिपिंग पूरा रूट है, वो फिलिस्तीनियों के सी से गुजरता है। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं, होती रिबेल्स ने सिर्फ फिलिस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाते हुए शिपिंग के लिए रोका है, तो एक हफ्ते के अंदर $2 बिलियन का लॉस फेस कर रहा है इसराइल। हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ये इश्यू बढ़ता है तो सारी दुनिया की इंसानियत के लिए महंगाई की मार होगी, भूखमरी के तरफ भी बात जा सकती है, क्योंकि सारे शिपिंग बिजनेस के तहत ये ग्लोबल ट्रेड चलता है। इसके लिए हम अपील करते हैं यूएन से और सारे ये कंट्रीज से कि फिलिस्तीनियों के हक में आए, सीज फायर के लिए आवाज़ उठाएं, और ये इसराइल और अमेरिका का जो एक्सिस ऑफ इविल है, इसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। और यूरोपियन यूनियन, जिसको बड़े ज़ोरों शोर से कहा जाता है यूरोपियन यूनियन, लेकिन जिस तरीके से हम कुछ देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज जो इसराइल के हक में खड़े हैं, जो फिलिस्तीन और अमेरिका के ताबे चल रहे हैं, फिर ये यूरोपियन यूनियन नहीं है, फिर इनको कहा जाएगा इविल यूनियन।
ये इट विल बी कॉल्ड एज इविल यूनियन इफ दे गो अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द फिलिस्तीनियन एज लॉन्ग एज यूएसए इज स्टैंडिंग अगेंस्ट फिलिस्तीनियन एंड सपोर्टिंग इजराइल देन वी कॉल यूएसए एज ए यूनाइटेड सैतानिक एसोसिएशन एंड वी कॉल द ग्लोबल एक्सिस ऑफ इविल यूएसए इजराइल एंड ईयू दिस विल बी कॉल्ड एज द ग्लोबल एक्सिस ऑफ इविल सो वी रिपीटेडली सेइंग एंड कॉलिंग फॉर सीज फायर फ्रॉम गुलबर्गा कर्नाटका इंडिया थैंक यू This video presented by Manur Multi Speciality Hospital highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road Gulbarga